सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम में स्वागत है। मैं चंचल कुमार सिंह प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखना सिखाना कोर्स 503 के संयोजक के रूप में इस कोर्स से जुड़ी कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना चाहता है तथा दूसरों की बात स्वयं समझना चाहता है। व्यक्तियों के मध्य होने वाले विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है और मनुष्य संप्रेषण हेतु सर्वाधिक जिन माध्यम का सहारा लेता है वह भाषा है। भाषा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों भावों आदि को व्यक्त करते हैं। मित्रों, विद्यालयी परिवेश में भाषा शिक्षण कार्य एक महत्वपूर्ण दायित्व है। शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को एक स्वतंत्र परिवेश मुहैया कराना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं को पूरी तरह व्यक्त कर सके। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नजरिया। बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया के मूल में बच्चों के बारे में यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यह निर्माण किसी के सिखाए जाने या जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं से होता है। विद्यालय में आने पर बच्चे प्राय स्वयं को खुलकर अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि जिस भाषा में वे सहज रूप से अपनी राय, अनुभव, भावनाएं आदि व्यक्त करना चाहते हैं वह प्राय हमें स्वीकृत नहीं होती। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक जरूरी बात है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सके। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशील और व्यवस्थित ढंग से तरह तरह के लेखन कर सके। वे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सके। मित्रों, भाषा का यह कोर्स 503 इसलिए बनाया गया है कि आप भाषा एवं भाषा शिक्षण के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो सके। हमें उम्मीद है कि इस कोर्स को करने के बाद आप भाषा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे और बच्चों को भाषा अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण ढंग से पढ़ा सकेंगे। यह शिक्षण कोर्स 3 ब्लॉकों में है। ब्लॉक 1 जिसमें 3 इकाई है। पहली इकाई भाषा की प्रकृति, संरचना एवं उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों के बारे में है। इसमें आप भाषा के स्वरूप, भाषा और समाज के आपसी संबंध, भाषा में प्रवीणता का मतलब आदि तथ्यों से अवगत होंगे। दूसरी इकाई में हम आपको भारत की बहुभाषिता की एक झलक दिखाएंगे और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हजारों भाषाओं के होते हुए भी भारत एक भाषाई इकाई है। इस इकाई में हम भारतीय संविधान में भाषा के बारे में दिए गए प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भाषाई विविधता तथा समय समय पर बनी शिक्षा नीतियों में निहित भाषाई समझ आदि को जान पाएंगे। तीसरी इकाई भाषा सीखने और सिखाने से संबंधित है। इस इकाई में हम आपको भाषा शिक्षण के तरीके, शिक्षण से जुड़ी समस्याएं आदि घटकों से अवगत कराएंगे। ब्लॉक 2 के चौथी इकाई में सुनने और बोलने के कौशलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस इकाई से आप सुनने बोलने का अर्थ, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुनने बोलने की भूमिका आदि से परिचित होंगे। पांचवी इकाई का उद्देश्य आपको बच्चों के नहीं पढ़ पाने के कारणों, पढ़ने के व्यापक अर्थ, पढ़ने की संभावित प्रक्रियाओं की पहचान आदि विषयों से अवगत कराना है। छठी इकाई लिखने के कौशल से संबंधित है। इस इकाई में हम बच्चों को लिखना सिखाने में अध्यापक की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लॉक 3 के सातवीं इकाई में
साहित्य और भाषा के विभिन्न पक्षों की पड़ताल करेंगे तथा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सृजनशील बनाती है। साथ ही भाषा सीखने में कविता, कहानी, नाटक आदि की भूमिका पर भी विचार करेंगे। इसी इकाई में आप साहित्य शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं की पहचान कर पाएंगे, साथ ही साथ साहित्य शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कर पाएंगे। आठवीं और नौवीं इकाइयों का संबंध इस बात से है कि हम अपनी कक्षा में कैसी सामग्री लाए और अलग अलग गतिविधियों के लिए कैसे तैयारी करें। दसवीं इकाई आकलन और मूल्यांकन से संबंधित है। इस इकाई में हम देखेंगे कि परंपरागत आकलन के तरीकों की क्या सीमाएं हैं और हम कैसे आधुनिक तरीकों के मदद से अपने आकलन को छात्र और शिक्षकों के लिए अधिक सार्थक बना सकते हैं। यदि आपके मन में कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।